जिला सोलन के कंडाघाट में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन 10 से 20 रोगी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हो रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। जहां एक ओर लोगों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जा रही है। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए गांववासी पहले से अधिक जागरूक दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब गांव में भी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अधिक जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत हिन्नर के प्रधान नरदेव कुमार ने बताया कि उनकी पंचायत में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसमें पंचायत के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन के लाभ बताए और उन्हें टीका लगाने के लिए प्रेरित भी किया, जिसके चलते 70 गाँव वासियों को वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों मनीष ठाकुर, रचना, स्वास्थ्य विभाग और आशा वर्करों ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए वे सभी का धन्यवाद करते हैं। गांव हिन्नर में टीकाकरण का जो आज प्रोग्राम हुआ है, इसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को आज वैक्सीनेशन का कार्य किया गया, जिसमें 70 लोग ने टीकाकरण किया। इस सभी टीकाकरण के मौके पर हमारे जितने भी टीम बीडीसी मेंबर हमारे मनीष ठाकुर जी, वार्ड मेंबर हमारे रचना जी और हेल्थ के जितने भी हमारे टीम वर्क है, इन्होंने बढ़ चढ़ कर और आशा वर्कर सब ने सहयोग किया, इसलिए हम ग्राम पंचायत हिन्नर की ओर से सबके आभारी हैं।